हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के सांसद और दैनिक सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत जी। राउत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस आयोजन के जरिए क्या शिवसेना उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है? हमारे लिए राम मंदिर कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा। ये राम मंदिर हमारे लिए ये वोट बैंक या वोटों की झोली लेकर हम कभी घूमे नहीं। राम मंदिर के लिए ये हमारे लिए हमेशा, बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने से ये हमारे लिए हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता का विषय रहा। हमारे लिए प्रभु श्री राम श्रद्धा आस्था है और राष्ट्रीय अस्मिता है। जिस आंदोलन में हमने सैकड़ों कर सेवकों की जान गंवाई है, पूरी सरयू नदी लाल हो गई थी, हमने देखे हमारे आँखों से सरयू नदी ऐसी लाल हो रही थी। अगर इस खून का हम व्यापार करें, बाजार करें, तो देश और इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, जो सैकड़ों लोगों ने शहादत दी है वो शहादत काम लाए। अगर राम मंदिर वाली सरकार बनी है अभी 4 साल पहले से, तो राम मंदिर बनना चाहिए। अगर नहीं बनाते हैं तो उनको याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे जी अयोध्या में आ रहे हैं। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में शिवसेना अपने उम्मीदवार भी उतारने वाली है उत्तर प्रदेश में? मैं आपको पहले ही कहा था कि ये राजनीति का विषय हमारे लिए नहीं है। प्रदेश की राजनीति अलग है और राम मंदिर का विषय अलग है। मैं आपके किसी भी सवाल को, राम मंदिर का जो सवाल है उसमें जवाब दूंगा। राजनीति है जो है वो 25 तारीख के बाद, जब उद्धव जी यहाँ से मुंबई पहुँचेंगे तो हम राजनीति की बात करेंगे। क्या इस आंदोलन के जरिए या इस आयोजन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का जो एकाधिकार रहा है हिंदुत्ववादी हिंदुत्व ब्रांड की राजनीति करने का, उसको शिवसेना खत्म करना चाहती है? वापस आपका गलत सवाल है। हम किसी को खत्म नहीं करेंगे, ना कोई खत्म होता है। बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है और हिंदू मतों पर किसी का अधिकार नहीं है। जैसे मुसलमान ये कोई कांग्रेस की मोनोपोली नहीं रही, न रहेगी। हाँ, बात रही हिंदू मतों की, तो शिवसेना क्या है? हिंदू हृदय सम्राट कौन थे? शिवसेना प्रमुख को लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट क्यों माना था, और हिंदू हृदय सम्राट क्यों नहीं बन पाए? जब हिंदू संकट में होता है, जब हिंदुस्तान संकट में होता है, तो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो या बाला साहब जी हो, हमेशा शेर की तरह आगे आए हैं। तो लोगों को लगता है शिवसेना हिंदुत्व पार्टी है, एकाधिकार हिंदू मत पर किसी का नहीं। अगर एकाधिकार है, आप मानते हो, तो राम मंदिर बनाइए, अध्यादेश लाइए, हम देख लेंगे फिर। बाला साहब इसके पहले कभी क्यों नहीं आए उत्तर प्रदेश में, या अयोध्या क्यों नहीं आए? वो क्यों नहीं आते थे इस ओर? नहीं आए, आना चाहते थे। कुछ साल पहले राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष थे परमम दास जी, जब मुंबई में आए थे तो मातोश्री पर जाकर बाला साहब को न्योता दिया था कि आप अयोध्या आइए, पूरी अयोध्या नगरी आपके इंतज़ार में है। उनके साथ जो बहुत से यहाँ के महानुभाव थे, पंडित अमरनाथ मिश्र थे, सब थे उनके साथ उस वक्त, मुझे मालूम है। तो बाला साहब ने उनका स्वागत किया था, बाला साहब ने तारीख भी तय की थी, लेकिन बाद में स्वामी जी बीमार पड़ गए परम दास जी, और बाला साहब दौरा नहीं हो पाया। तो अब हिंदुदय सम्राट के पुत्र आ रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी के प्रेरणा से अयोध्या के ऊपर जो कलंक लगा था बाबरी का, वो मिट गया। अब उनके पुत्र आ रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, तो राम मंदिर निर्माण के कार्य को गति मिलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या उत्तर प्रदेश के कुछ बीजेपी के आला नेता आपके संपर्क में हैं और वो आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं? उस बारे में मेरे पास जानकारी है, लेकिन उस बारे में मैं 25 तारीख के बाद जवाब दूंगा। जब तक राम मंदिर और उद्धव जी का जो यहाँ का कार्यक्रम है, वो हम राजनीति से नहीं जुड़ना चाहते। आपके सवाल में दम है, लेकिन बाद में बात करेंगे। तो मतलब आप धुआं कबूल कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आग भी होगी ही। ठीक है, आग समझिए, धुआं समझिए, धुंध समझिए, देखेंगे ना।
धन्यवाद राउत, ये थे संजय राउत साहब हमारे साथ में, और इन्होंने इशारों इशारों में एक बड़ी खबर हमें दी है, जिसके बारे में इनका कहना है कि जो आयोजन है उद्धव ठाकरे जब अयोध्या पहुंच रहे हैं उसके बाद ही ये विस्तार से खुलकर उस बारे में बातचीत करेंगे। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज फैजाबाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।